हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के आदेश पर पंचकुला स्थित शिक्षा सदन में खराब रिजल्ट देने वाले स्कूलों के प्रिंसिपलों और डीओ के बीच बैठक हुई। शिक्षा विभाग के अतिरिक्त प्रधान सचिव केशनी आनंद अरोड़ा की अध्यक्षता में इस बैठक में हरियाणा के 6 जिलों के डीईओ और प्रिंसिपल शामिल हुए। ऐसे स्कूल जिनका परिणाम बेहद खराब रहा है। आपको बता दें कि हरियाणा के शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भारी कमी है। इसी कमी के चलते ज्यादातर स्कूलों का नतीजा खराब आ रहा है और हरियाणा सरकार आए दिन नए शिक्षक भर्ती करने की बात करती है, लेकिन प्रदेश के 10,000 के करीब अतिथि अध्यापकों को रेगुलर करने के बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है, जो कि 10 साल से सेवा कर रहे हैं। और 9,500 के करीब चुने हुए JBT अध्यापकों को काफी समय से नियुक्त पत्र नहीं दिए जा रहे हैं, जबकि हरियाणा सरकार अपनी कमी को छुपाने के लिए DEO और अध्यापकों को जिम्मेदार ठहरा रही है। अगर रिजल्ट करना है तो मदद कराएं, टीचर भी मेहनत करें। क्यों कराया है? टीचर नहीं है या पढ़ाते नहीं है, कई जगह ऐसा भी है टीचर हट गए थे, उस कारण से वो क्लास बेचारी सफर करी, वो दोबारा ज्वाइन करे हैं, या कहीं बिल्कुल टीचर ही नहीं है तो हम इंटरव्यू से जिले में से उनको प्रोवाइड कराएं। और अगर जिले में भी नहीं है तो ये एक सोचने का विषय है, टीचर जाने पर ठीक होगा, लेकिन सभी ने एश्योर कराया प्रिंसिपल कि हम वहाँ से रिजल्ट अच्छा करें। और मैं भी एस डी ओ इन्हीं डीए जो हमारे हाउस स्कूल है इनको बुलाकर दोबारा से पूछूंगी पास के बाद कि वाकई इन्होंने इम्प्रूव किए कि नहीं किए। मुझे पूरी उम्मीद है कि इम्प्रूव करेंगे। उन लोगों को बुला गया था जिनका रिजल्ट 5% से नीचे था जी। मेरे जिले में ऐसा केवल 4 स्कूल थे, उनमें भी सिर्फ 2 स्कूल प्रॉब्लम्स थे, बाकी जी। तो जिस तरह से एक सरकार शिक्षा मंत्री ने कहा है कि जिनका रिजल्ट कम होगा उन प्रिंसिपल टीचर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी, आपको क्या लगता है कहाँ कमी है टीचर्स की जो उनके खिलाफ कार्रवाई हो? नहीं, ये तो कार्रवाई होनी चाहिए, जो काम नहीं करते उनके खिलाफ होनी चाहिए। मेरे स्कूल में कोई प्रिंसिपल भी नहीं है, स्टाफ बहुत ही कम है, ना के बराबर है। 9 से 12 में सिर्फ मैं एक लेक्चरर हूँ और हमारे यहाँ पे पूरे मेवात में स्टाफ की बहुत ज्यादा कमी है, जिसकी वजह से बच्चों के ऊपर असर हुआ है, उनकी पढ़ाई का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। सरकार को हमारी मेवात की तरफ खास तौर से ध्यान देना चाहिए कि टीचर्स का इंतजाम करें। अभी देखो हमारी मीटिंग के लिए हम आए हैं और हम उम्मीद करेंगे कि सरकार हमारे लिए कुछ ना कुछ जरूर सोचे। मोहाली फेज 3 B2 के रहने वाले सिप्पी के परिजन एक माह पहले सिप्पी के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पंजाब एंड हरियाणा के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी से मिले थे। राज्यपाल द्वारा सिफारिश किए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई। सिप्पी के परिजन चंडीगढ़ पुलिस की जांच से संतुष्ट न होने पर मामले की जांच CBI के हवाले करने की मांग कर रहे थे और हत्यारों को गिरफ्तार करने और न्याय को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद पुलिस 4 माह बाद भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। अपने निवास स्थान पर सिप्पी के परिजनों ने आरोप लगाया है कि मामले को हाई प्रोफाइल न मानने के चलते चंडीगढ़ पुलिस कार्रवाई करने से बच रही है और हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि वह चंडीगढ़ के SSP एडवाइजर के पास न्याय की गुहार लगा चुके हैं, भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिलकर कार्रवाई की मांग कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद आरोपियों को बचाया जा रहा है। लेकिन अब CBI नए सिरे से केस की जांच करेगी और उन्हें न्याय मिलेगा, ऐसी उम्मीद जरूर है। वीर जी, पंजाब पुलिस ने जी चंडीगढ़ केस होया सीगा, चंडीगढ़ UT पुलिस चो अज हेयरिंग सीगी जी 22nd नूं, ते पिछली हेयरिंग ते इन्हें कल्याणी ने आ गल आखी सीगी कि मां पुत सिप्पी दे मदर दे मेरा दोनों दा लाई डिटेक्टर टेस्ट होवे। अज इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जिहड़ी आई ओ है पूनम दलावरी 26 थाने दी, ते जिहड़े साडे जिहड़े सरकारी वकील असिस्टेंट पब्लिक प्रोसीक्यूटर मिस्टर रोहेला, उन्हां ने भी आही गल आखी कि इन्हें पिछली हेयरिंग च गल गोलमोल कीती कि इन्हां दोनों मां पुतां दा टेस्ट होवे। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਊ ਕੈਨ ਅ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸਸਪੈਕਟ ਸੇ ਟੂ ਦਾ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹਦਾ ਕਹੂਗੀ ਜੱਜ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇ, ਵਿਟਨੈਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇ, ਤੇ IO ਨੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਆਹ ਆਖਤੀ ਕਿ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨ ਦਾ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਅ ਕੇਸ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਟੂ ਦਾ CBI। मोगा जिला के कस्बा समालसर के गांव वांदर में सरकारी प्राथमिक स्कूल में 2 अध्यापकों की रंजिश के चलते एक अध्यापक ने बच्चों के सामने ही दूसरे अध्यापक पर पिस्तौल तान दी और जान से मारने की धमकी दी, इससे बच्चे सहम गए। स्कूल के मुख्य अध्यापक ने ऐसा करने से रोका तो उसके साथ भी धक्का मुक्की की गई, जिसकी सूचना स्कूल के हेडमास्टर ने ब्लॉक प्राइमरी के अधिकारी को दी, जिस पर अधिकारी ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। वहीं अमनदीप ने इस घटना की जानकारी स्कूल अधिकारियों को दी और उसने कहा अगर इंसाफ ना मिला तो पुलिस के पास भी शिकायत दर्ज करवाएगा। मीडिया को जानकारी देते हुए प्राथमिक स्कूल गांव वांदर के अध्यापक अमनदीप सिंह ने बताया कि वह पिछले 4 वर्षों से स्कूल में पढ़ा रहा है। सुबह 9:15 बजे रोजमर्रा की तरह बच्चों की प्रार्थना के समय बच्चों के पास खड़ा था कि अचानक उनके साथ पढ़ाते अध्यापक जगदीश सिंह ने उन्हें यह कहकर गालियां निकालनी शुरू कर दी कि छोटी जाति के लोग उनके साथ खड़े होने के काबिल नहीं है और दूर खड़े हो जाएं। बच्चों के सामने जाति सूचक शब्द कहा।
इसके बाद जब स्कूल के मुख्य अध्यापक जरनैल सिंह ने जगजीत सिंह को ऐसा करने से रोका तो मुख्य अध्यापक को भी धक्का मारा। यह घटना को देखते हुए बच्चे अपनी कक्षाओं में सहम कर बैठ गए। सर जी पहला था जी सर अमनदीप सरा को जी जाके जी मुछ मरोड़ लग गए जी, जो जी अमनदीप सरा ने जी उन्होंने खुद लड़ाई पा लिया जी, ते जी मुड़ के जी उन्होंने जी कुटे लगे नहीं जगदी है जरनैल सरा का जी, ते गला फड़ के जी परा करता जी जगदीत सरा ने जी, ते जी मुड़ के जी जगदीत सरा ने जी पिस्तौल कढ़ के जी जेब च पा ले। अमनदीप सिंह ने बताया कि इससे पहले भी अगस्त 2015 को स्कूल से छुट्टी करके घर जा रहा था तो बम्बिया भाई के पास स्कूल सुए के करीब 6 बजे अज्ञात व्यक्तियों ने उसे मारपीट कर छीना झपटी की थी। उन्हें शक है कि वह हमला भी जगजीत सिंह ने करवाया होगा। कल हादसा जी कल सवेर की सभा सी 9 बजे सवेर की सभा लगी, जो तो मैं इतने अपना सवेर की सभा आ गया इतने खड़े हाँ तो टीचर साढ़े नाल ही मेरे साथी जगजीत सिंह आए जी, वो आके मेरे बिल्कुल सामने आके खड़ गया, आके मैं कहते भी हाँ तेन की गल मुछ बड़ा चुका बोले की गल, मैं मैंने तो कोई गल नहीं हैगी, कहना बुला तेन हवा जी हुई है बुलाना हो ढंका हो मैं काफ़ी जाति सूचक शब्द बोले जी मैं बयान नहीं कर सकता जी, शब्द उन्हें मैंने बोले इन्होंने शब्दों मेरे मन में इन्नी ठेस पहुंची भी मैं मैं उन्होंने कहा भी तू मैं ये गल क्यों बोला, मैं जो विरोध किया तो जी उन्हें अपने जोड़ा वो रिवॉल्वर से रिवॉल्वर क्ढ़िया रिवॉल्वर मैंने थान लिया। वहीं पिस्तौल तानने वाले अध्यापक जगजीत सिंह से बात की गई तो उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को नकारते हुए उन्होंने कहा कि उनके पास अपने लाइसेंसी पिस्तौल है लेकिन वह कभी स्कूल लेकर नहीं आए और ना ही उन्होंने अमनदीप पर पिस्तौल तानी है। तो ना तो मेरे को रिवॉल्वर करे है इतने तो है नहीं, ना मैं कभी स्कूल लेके आया पहला करे ना मेरे को आके ना कभी स्कूल लेके नहीं आया रिवॉल्वर, मेरे को लाइसेंस जरूर बनया वा ठीक है जी, मेरी इन्होंने वैसे तो रांझे है भी मैं इन्होंने मतलब बेनिजमिया कर तो रोक की बेनिजमिया करते बेनिजमिया जिम्मे मान लो कि स्कूल तो समय तो पहले चले जाने जो मैं इन्होंने रोकया तो ये दो जने जे अध्यापक है ये मतलब कट्ठे इन्हों की आपस रिश्तेदारी है इन्होंने मेरे तो फिर इस रोक ना ही मेरे रिवॉल्वर पहले ना कभी लेके आना ही मिले। झगड़े का कारण बताते हुए जगजीत ने कहा कि अमनदीप स्कूल की छुट्टी से पहले ही घर चला जाता था, वह उसे ये सब करने से रोकता था लेकिन स्कूल के हेडमास्टर जरनैल सिंह की मिलीभगत से वह स्कूल से पहले ही चला जाता था जिसको लेकर उस पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। अमनदीप सिंह जिहड़े कि सरकारी प्राइमरी स्कूल बांदर विखे काम करते आ उन्हां वल्लों सानूं 21 तरीक नूं 4:30 बजे शिकायत प्राप्त हुई है जिस विच उन्होंने ये लिखिया शिकायत दे विच कि उस स्कूल का जो अध्यापक जगजीत सिंह है उत्थे काम करता है उन्हें सानू जाति सूचक शब्द बोले आ सवेर की सभा दे विच बच्चों के सामने स्कूल स्टाफ के सामने उन्होंने मैनु मंदे लफ्ज़ बोले तो इतों तक ये तकरार वध गया। अमनदीप कहिंदे कि उन्होंने पिस्तौल जिहड़ी है रिवॉल्वर मेरे उपर तान ली तो उस स्कूल का जिहड़ा मुखी सीगा जगजीत सिंह जरनैल सिंह वो विचकार हो के उन्हें मेरा बचा किया और वो जी रिवॉल्वर सी उन्हें उन्होंने समझा बुझा के उन्हें वो रिवॉल्वर से जरा उन्होंने भी आपके कंट्रोल किया उन्होंने और स्कूल के बच्चों के जो माहौल जरा सहमता बन गया। मोगा जिले के गांव धुड़ीके में पैदा हुए शेरे पंजाब केसरी लाला राजपत राय के 150वें जन्मदिन पर 27 जनवरी को उनके गांव धुड़ी में मनाया जा रहा है जहां पर राज्य स्तर का समागम आयोजित किया जा रहा है। समागम के प्रधान पंजाब के मुख्यमंत्री होंगे। समागम में किसी केंद्रीय मंत्री के आने की संभावना है। 150 साल जन्म शताब्दी को मनाने के लिए आज पंजाब के खेती बाड़ी मंत्री तोता सिंह ने आज जिले के सभी अधिकारियों से मीटिंग की और तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर चारों विधानसभा क्षेत्र के विधायकों ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर खेती बाड़ी मंत्री तोता सिंह ने कहा कि शहीदों को याद करना बहुत जरूरी है, आज हम उनकी दी गई कुर्बानियों के सहारे ही जी रहे हैं। आज कल साहब प्रकाश सिंह वाल मुख्यमंत्री पंजाब ने मीटिंग ली सी पंजाब भवन के सारे ड्यूटी लाई सी इतों MLS की दास की तो मित्तल साहब भी आ रहे रस्ते नेड़े पहुँचने वाले वो इतों के प्रबंध देखने वास्ते सारा प्रबंध देखे डी साहब तो होर सारे जिन्हें इन्हों का स्टाफ ऑफिसर उन्होंने और पुलिस वाले सारे ने सिक्योरिटी पक्ष तो सारे आपके वेरवे इकट्ठे करके जोड़ी जी कि लोड़ होंगी है कट वास्ते क्योंकि यह लाजपत राय जी का 150वां जन्मदिन मनाया जाना बड़े बड़े व्डे पद्धर से जो शहीद है वो किसी पार्टी के नहीं होंगे शहीद साहब के सांझे होंगे।
उसी के तहत लाला लाजपत राय का 150वां जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस समागम में किसी केंद्रीय मंत्री के आने की संभावना भी है और मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल उनको श्रद्धांजलि देने पहुँचेंगे। लाला जी की याद राजपत्री समागम हो जा रहा, इसके सीएम साहब डिप्टी सीएम साहब आएंगे और केंद्र के विचों भी जिम्मेवारी ली उन्होंने कोई ना कोई लीडर सदन की जेडे कि पिंड ढुड्डी के जिथे लाला जी का जन्म स्थान बहुत मंगा है सीवरेज दियाँ एक सड़क इन्हों की और एक स्टेडियम वो सारिया मंगा इतने जड़िया वो इन्हों पूरिया होनी 25 करोड़ रुपए के लगभग इस पिंड ग्रांट मिलनी है। दूसरी सब वध तो खुशी की गल जीतवाल सर्कल ली कि जीतवाल बड़े लंबे समय तो लोगों की मंग भी सी कि जीतवाल नू सब तहसील बनाया जाए वो भी उस दिन बादल साहब ने ऐलान करना है सब तहसील का जी जीतवाल नू बनाने वास्ते। बहुत खुशी की गल आ कि असं जो 60 साल तो मेहनत कर रहे थे लाला लाजपत राय जी का जन्मदिन मना के वो इस बार राजपत्री मनाया जा रहा 151वां लाला लाजपत राय जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। तो इस तो भी बहुत खुशी की गल है कि इस राजपत्री समागम के बहुत सारिया अनाउंसमेंटा सरकार वालों की जानिया सी जो पिछली बार जो गल चली सी कि मोदी साहब ने आना उस वक्त जो मंगा रह गई सी इस बार सरकार ने साडिया मंग लिया मन लिया ने पूरिया कर रहे हैं जिस विच ग्राउंड एस्टो टर्फ लगन की मंग सी उसनू पूरा किया गया है एक ऑडिटोरियम की मंग सी उसनू पूरा किया गया है। बिहार के पूर्णिया जिले में ड्राइवर सहित स्कॉर्पियो गाड़ी की लूट की घटना को अंजाम देने के बाद 5 छात्र अपराधी कटिहार जिले में लूट की घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। कटिहार पुलिस ने इन छात्रों के मंसूबों पर पानी फेरते हुए एक सूचना के आधार पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है ये छात्र अपराधी पूर्णिया जिले के रहने वाले हैं और कई इलाके की पुलिस इनकी तलाश में है। इन सभी अपराधियों का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। टेंशन मत लो, तुमको हम नहीं मारेंगे, लेकिन मालिक को फोन करो, मालिक को फोन करवाया, बोलो हम पटना में हैं, जा रहे हैं पेशेंट को लेके। ऐसा ही लग रहा था सर। स्कॉर्पियो को पकड़ने के क्रम में अपराधियों द्वारा पुलिस बल के ऊपर फायरिंग कर दी गई, जिसको देखते हुए पुलिस बल ने भी आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई की एवं स्कॉर्पियो को बरामद कर लिया एवं स्कॉर्पियो में जो उसका ड्राइवर था मोहम्मद आशिक उसको भी मुक्त करा लिया गया है। जहां पंजाब सरकार शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए नई नई योजनाएं लागू कर रही है, परंतु शिक्षा विभाग के अधिकारी कुंभकर्णी नींद सोई होने के कारण आज फरीदकोट के गांव बीड़ सिखवाली के सरकारी प्राथमिक स्कूल में करीब 25 बच्चे कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। करीब 2 साल पहले इस स्कूल की इमारत को माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर गिरा दिया गया था, परंतु अब 2 साल बीत जाने के बाद भी इस स्कूल को कोई फंड नहीं दिया गया। अब मीडिया में खबर आने के बाद जिला शिक्षा अफसर की तरफ से पहले पड़ी ग्रांट में से एक कमरा उक्त स्कूल को दिए जाने की बात कही जा रही है। इस दौरान गाँव वासियों का कहना है कि उनके बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल के पास सिर्फ एक ही कमरा है और बच्चे बहुत ही ज्यादा हैं और इस बारिश के दिनों में सभी क्लासों में बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं और पढ़ाई नहीं होती। हाँ जी 2 साल हो गए, मतलब इतनी जड़ी रूम बने हैं ना टूटे हैं तो बच्चे बाहर बहिंदे, अगर एक ही रूम है गए 2-3 क्लासा आगे तो सारे आपसे बोल दे, अगर तो पढ़ाई भी नहीं बराबर हो रही, जो मीह कणी आता तो एक रूम च इन क्लासा कि बह सकते हैं, तो जेडे है वो भी टुटे पे, एक ही रूम वो भी टुटे है, तो जेडे हाँ जी वो फिर एक ही सारे कट्ठे हो जाते फिर पढ़ा तो वही नहीं रहा है, तरपाणा दे के बाहर बीमार होंगे फिर घर पढ़ाई दे। इस दौरान मासूम बच्चों की तरफ से सरकार को विनती की गई कि सरकार उनकी तरफ जरूर ध्यान दे। उन्होंने कहा कि उनको कड़ाके की ठंड में पढ़ने के लिए मजबूर होकर पढ़ना पड़ता है और वे छुट्टी भी नहीं कर सकते। सारे स्कूल में एक ही कमरा है, सारे बच्चे एक ही कमरे में नहीं बैठ सकते, इसलिए छुट्टी मारेंगे तो फिर साड़ी पढ़ाई खराब होती है, इसलिए साड़ी यही मांग है कि साड़ा स्कूल जल्द से जल्द बनाया जाए। इस बारे में जब फरीदकोट जिला शिक्षा अफसर परमिंदर सिंह से बात की गई, तो उन्होंने कहा पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर स्कूल की बिल्डिंग को तोड़ा गया था, परंतु उनके लिए अब तक कोई अनुदान नहीं आया है। इन्हां जी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट वालों हुक्म होया सीगा कि जिहड़े अनसेफ कमरे हैगे सारे पंजाब दे विच, इसी तरह अपने जिले विच भी उह कमरे सिधाए गए आ, उन्हां दे इवज विच हजे सानूं कोई किसी कमरे की ग्रांट प्राप्त नहीं हुई,
ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। सिरसा में पंचायती राज चुनाव के तीसरे दौर को लेकर आज मतदान केंद्रों पर सभी पोलिंग पार्टियों में ईवीएम पोलिंग किट देकर रवाना कर दिया गया है। पंचायती राज चुनाव के तीसरे दौर के मतदान के लिए प्रशासन द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। आज सिरसा में पोलिंग पार्टियों को ईवीएम मशीन ट्रेनिंग की अंतिम रिहर्सल करवाई गई और उनको ईवीएम मशीन व चुनाव प्रक्रिया के सभी आवश्यक सामग्री देकर उन्हें रवाना किया गया। चुनावी प्रक्रिया के तीसरे दौर के तहत सिरसा के खंड सिरसा व चोपटा में कल 24 जनवरी को मत डाले जाएंगे। मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं और सभी मतदान केंद्रों में जहां वीडियोग्राफी करवाई जा रही है वहीं संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। इसके बारे में बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम किया है एसडीएम साहब ने और रिहर्सल के टाइम में बहुत ही बढ़िया रिहर्सल दी थी। आज भी बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें समझाए गए और सामान डिवाइड किए गए और स्टेशन पर भेजा गया है। कल के चुनाव के लिए हमारे लिए बहुत ही बढ़िया है, अच्छा चुनाव हो रहा है, शांतिप्रिय चुनाव होगा और शांतिप्रिय करवाना है और टीम वर्क भी बहुत बढ़िया है। सरसा ब्लॉक में मेरी ड्यूटी लगी हुई है और पूरे सरसा ब्लॉक में सभी गाँव में बूथ ड्यूटियाँ लगाई गई है और जो सेंसरी विलेजेज है वहाँ एक्स्ट्रा ड्यूटियाँ लगाई गई है और पेट्रोलिंग पार्टियाँ कंटिन्यू 24 घंटे एक्टिव रहेगी और उनके ऊपर इंस्पेक्टर्स एएसओ लगाए गए हैं और मैं सुपरविजन करूँगा पूरे ब्लॉक सरसा में। वीडियोग्राफी का इंतजाम किया गया है सभी जगह और तीन तीन चार चार जवान अलग लगाए गए हैं जो हाइपर सेंसिटिव विलेजेज हैं और बाकी नाके भी लगाए गए हैं चारों तरफ है। और बिल्कुल फेयर पीसफुली चुनाव करवाने की पूरी तैयारियाँ की गई है।